अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि डिजिटल सिंह के प्लेटफॉर्म से मैं और मेरी टीम आपके लिए एक नए दोस्त के साथ, एक नए टैलेंट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो है अबाउट लाइक फ्लोर पॉलिशिंग, जिसमें काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं उसमें, उसी के सिलसिले में है, उसी की फील्ड रिलेटेड है। और एक आज हमारे साथ नौजवान काशिफ भाई, जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने यानी जीरो से शुरू किया है और माशाल्लाह आज एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। सबसे सब पहले आपके आपके कीमती टाइम का शुक्रिया, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, भाईजान, मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप आए और आपको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें ताकि दोस्तों को मालूम पड़ सके। जी, नाम है मेरा काशिफ, फ्लोर पॉलिश वाला। जनूबी पंजाब के एक गांव में रहता हूँ जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, तहसील बूरेवाला। तो ओके, मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का काम करता हूँ। क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, माशाल्लाह, तो ये मेरा तारफ है। चलें, बहुत शुक्रिया। जी, इसके अलावा जी सोशल वर्क का शौक है, वो करता हूँ इसके साथ। माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन। और जैसे अभी आपके नाम में लिखा हुआ है काशिफ फ्लोर पॉलिश वाला, मैं ये जानना जी चाहूंगा आपका पूरा नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम है काशिफ शहजाद खान। अच्छा, तो ये फ्लोर पॉलिश वाला लगाने का क्या मकसद है, इसके पीछे क्या रीजन है? फ्लोर पॉलिश वाला जो है, मैंने अपने जो है वो काम से, मेरी जो है वो पैशन है, मुझे मुझे लगन है उससे, ताकि लोग मुझे इजीली जान सकें कि मेरा नाम ही जो है मेरी ब्रांडिंग होगी, मेरी मार्केटिंग होगी, इजीली वो लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा, काशिफ जो है पॉलिश, फ्लोर पॉलिशिंग का काम करता है। इसलिए मैंने जो है उसको अपने फेसबुक प्रोफाइल का जो है वो हिस्सा बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, देखें, मेरे सवाल करने का मकसद यही था कि काफी दोस्त इस चीज से ये सीखें कि आप नाम के आगे यानी ये चीज डाल सकते हो जिससे आपकी काम की ब्रांडिंग हो। डिजिटल जी वर्ल्ड के थ्रू हम जो कह रहे हैं कि आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, एंड दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये उसमें से एक मिसाल है कि काशिफ फ्लोर पॉलिश वाला, इससे पता चल रहा है कि इस बंदे के क्या स्किल सेट हैं या क्या सर्विसेज हैं। बहुत बेहतरीन, तमाम बेहतरीन काशिफ भाई। और थोड़ा सा आपने हमें बताएं अपने काम के बारे में, आपने कहाँ से यानी स्टार्ट किया, कैसे किया, थोड़ा सा वहां से बताएंगे। शुरू तो मैंने जो है वो अपने इलाके से ही किया। बूरे वाला शहर में हम काम करते हैं, ठीक, हमारे गांव से 20 किलोमीटर के फासले पर है ये शहर। हम गांव से काम करने जाते हैं शहर। तो जब मैं 8th क्लास में होता था, 8th ग्रेड में, जी मेरे वालिद साहब ने ये 1979 राउंड अबाउट 1980 में ये कराची से शुरू किया था। ठीक, तो फिर वो यहाँ बुरे वाला शिफ्ट आ गए थे वापस, इधर सही, के काम वहाँ से सीख के आए थे, शुरू आगे फिर वापस अपने इलाके में किया, काम कराची से सीखा था उन्होंने। सही, तो वो काम करते रहे, तो फिर जो है जब मैं 8th क्लास में था, गर्मी वगैरह की छुट्टियाँ हुई जी, और हमने जो एग्ज़ाम वगैरह दिया उसका, 8th क्लास का, तो उसमें 2-3 महीने रिजल्ट वेटिंग के होते हैं, आप फ्री होते हैं, कोई काम वगैरह आपको नहीं होता। मेरे वाले साहब ने कहा कि आप काम वगैरह तो आपको घर में कोई है कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सही, जाएं काम पर आएं और वहाँ जो मजदूर जो है मशीनें चलाते हैं उनकी आप हेल्प करें, उन्हें पानी दें, जो सलरी वगैरह है, जी ग्राइंडिंग सलरी, मलबा वगैरह, उसे साफ करें, तो हमारा काम ज़्यादा हो गया करेगा, यहाँ तो हमने कोई काम कुम तो करना कोई नहीं, तो आप हेल्प किया करें, काम ज्यादा हो गया करेगा। जहाँ वो फॉर एग्जाम्पल
200 फुट करता है तो वो 300 फुट 400 फुट तक एवरेज आ जाएगी, कारीगर की आप एज ए हेल्पर हेल्प किया करें। तो मैं जाता रहा। अब दूसरा तीसरा दिन था मुझे कि मैंने वो सीखना शुरू कर दिया। मैं जी सिर्फ वो पानी उसको देना और ये साफ सफाई करना, इस पे नहीं मैंने फोकस किया। मैंने देखा ये कर क्या रहा है कारीगर, मैं उसको देखता रहा कि कैसे मशीन ऑपरेट करता है, कैसे अब्राजिव चेंज करता है। तो इस तरह मैं इस फील्ड में जो है वो इंटर हो गया। तो तीसरे चौथे दिन मुझे थोड़ी थोड़ी मशीन ऑपरेट करनी आ गई थी। तीसरा दिन था, दूसरा दिन था, तो मैंने उसे खुद ही कहा कारीगर को, मैंने कहा यार मुझे पकड़ा है, मुझे शौक है, मैंने चला के देखनी। कहा तुम नहीं चला सकोगे। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो चलानी है, आप मुझे नहीं दे मैं चला लूंगी। तो कहता तुम्हें पता तो है नहीं इसको ऑपरेट कैसे करना है। मैंने कहा बस आप मुझे पकड़ा दे मैं चला लूंगा। और मैंने चलाई तो वोल्टेज लो थे वहां। अब जब वोल्टेज लो थी थोड़ा थोड़ा अप करना पड़ता है मशीन को, आपने अपने हाथों से सहारा देना होता है ताकि वो जो वोल्टेज लो है उससे उसको थोड़ा मोटर को पावर मिले और वो मशीन चल पड़े। अब मैंने थोड़ा ज्यादा पावर लगा दी और वो सारा कुछ ही बाहर आ गया, वटिया वगैरह सारा कुछ निकल गया और वो स्क्रैच बिल्कुल वगैरह आ गए, मार्बल के ऊपर स्क्रैच आ गए बहुत ज्यादा सही। ना। तो फौरन ही चलाया तो वो फेल हुआ, मैं वो निकल गया सब कुछ। तो अब उसने कहा हाय मार्बल खराब हो गया, बेड़ा गरक, सब बेड़ा सब खराब कर दिया। तो उन्हें अब तुम्हारे वाले साहब जो है तुम्हें डांटेंगे मारेंगे। अब मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कोई खास खराब नहीं हुआ। मैंने देखा मार्बल को गौर से, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे डरा रहा है, ऐसा कुछ मार्बल में हुआ नहीं है, थोड़े से हल्के से निशान पड़े हैं, तो ये दोबारा उसी एब्रेसिव को दोबारा यूज करेंगे तो ये हो जाएंगे ठीक। ये मेरी कहानी है इस एंट्री में। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात बोली और अभी कमेंट्स में ही हमें काफी दोस्त जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बात आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं कि वो आपकी फेसबुक आईडी मांग रहे हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कमेंट्स में डाल दूं वो आपसे। जी, लिंक पब्लिश कर दें, नो प्रॉब्लम। जी, तो काशिफ भाई एक और मेरे जहन में सवाल आता है कि देखिए जैसे आपने बताया माशाल्लाह आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका ये फादर का काम था, आपने वो भी सीखा, तो आपके जहन में ये कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं जॉब वगैरह ढूंढूं या जॉब करूं, इसकी तरफ कैसे, यानी अपने काम की तरफ कैसे आए? ये भी बड़ा ट्विस्टेड स्टोरी है। ये बड़ा मजे वाला आपने क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल, और अब काशी भाई मैंने जी इसीलिए पूछा है, आपको भी मालूम होगा कि काफी हमारे नौजवान जो हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद, तालीम लेने के बाद वो यानी बैठ जाते हैं कि यार जॉब मिलेगी, ढूंढने में लग जाते हैं, कोई कोई कहते हैं कि आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया है कि माशाल्लाह आप एक ग्रेजुएट हो के उसके साथ साथ फ्लोर पॉलिशिंग का काम आपने एक स्टार्ट किया है, वो मैं जानना चाहूंगा, इसीलिए आपसे ये सवाल किया है। इसमें बड़े बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। जब वो मैं 8th ग्रेड था तो हर हर साल हम पार्ट टाइम करते रहे, गर्मी की छुट्टियां और सही रिजल्ट वेटिंग। अब हर साल ही आगे आना था, 9th में भी ऐसे होना था, 10th में भी, 1st ईयर आई 2nd ईयर आई। अब होता ये था कि जब मैं ये पार्ट टाइम करता रहा ये चीजें, तो 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, अब फिर मुझे ये होता था कि मुझे फिर ये संडे को भी ले जाना शुरू कर दिया वाले साहब ने, अब सही संडे भी घर में नहीं रहने देना। और फिर ये भी करना शुरू कर दिया कि जब आप कॉलेज से आपने फ्री होना है आपने फिर जो है सीधा काम पे आ जाना, घर वापस नहीं जाना, शाम को ही वापस जाएंगे। मैंने वही यूनिफॉर्म पहना होना, वैसे ही ब्लैक सही पेंट होनी, उसमें वो सारा सलरी वगैरह लग जाना, मलबा लग जाना। अब उस वक्त तो जॉब के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था ना, 9th 8th और 10th 10th में। अब मैं पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, जहाँ मेरी एजुकेशन मुकम्मल हुई है ना तब मैंने सोचना था। अब 11वीं 12वीं में मैंने कभी नहीं सोचा। और कुदरती तौर पे एक लड़के ने मुझसे पूछा था यार पढ़ लिख के क्या करोगे, मुझे नहीं पता ये आइडियाज कहाँ से आए। जब मैं 1st ईयर 2nd ईयर में था तो जिस रक्षे वाले के साथ मैं आ रहा था स्कूल से सॉरी कॉलेज से घर आता था, उसने मुझे सवाल किया पढ़ के क्या करोगे। मैंने कहा मैं एक खाद की फैक्ट्री लगाऊंगा। कहता सही वो तो कई कई अरबों में लगती है। मैंने कहा बस मैंने फैक्ट्री लगानी है खाद की, मैं कोई कारोबार ही करूंगा।
अब मैं फिर हैरान हुआ कल कुछ अरसे बाद कि ये कहाँ से मुझ में ये थॉट्स आई। लोगों को तो शौक होता है पुलिस में जाना है, बैंक में जाना है, आर्मी में जाना है, जॉब करनी है, टीचर बन जाना है। मैंने कहा ये आप कैसे जवाब देते हैं कि मैं कोई जॉब ही करूंगा। तो ये गॉड गिफ्टेड चीजें थी, रैंडम थे ना, तो मैंने कहीं लिटरेचर ऐसा पढ़ा था ना, मेरी फैमिली में कभी बिजनेस, इतना वालिद साहब का जो बिजनेस है वो बिजनेस नहीं है, ना ही उनको पता है कि हम ये बिजनेस करते हैं। मुझे वालिद साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मेरा काम ज्वाइन करो, आप बिजनेस करो, आपने जॉब नहीं करनी। वो तो मुझे पकड़ पकड़ के आर्मी में भी ले गए थे एक बार, उन्होंने जाके मेरा वो टेस्ट भी दिलवाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं उसमें फेल हुआ और मेरी जान छोटी, वरना मैं आर्मी में होता। तो उनका था, मेरी वालदा को भी कहते थे इसे कोई शौक ही नहीं है, कहीं अप्लाई ही नहीं करता, मुझसे पैसे नहीं मांगता कि कहाँ जॉब आई है, वैकेंसी आई है वहीं डाल दे। लोगों को कितने शौक होते हैं कि कहीं ना कहीं वैकेंसी आए तो कहीं वहां दरखास्त लेके चलेगा वहां। अब जो मैंने कर लिया, एक तो मुझे ये था कि मुझे खुद ही पता था कि पाकिस्तान में जॉब लेना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं सही इस झंझट में पड़ा ही नहीं हूँ, सही मैंने अप्लाई ही नहीं किया मुझे। और दूसरा मेरे मार्क्स पूरे सूरे से थे, बस 30 30 50 इसमें क्वालिफिकेशन का सॉरी एजुकेशन का कैरियर मेरा मैट्रिक और एफए में जो है वो 50% था, पीछे तो टॉप में था 8th क्लास में। तो आगे जो ग्रेजुएशन है वहां मेरा 33% है। अब मैं वो सारी चीजें भी रियलाइज करके बैठा था कि कंपटीशन यहाँ बहुत हाई है, मेरिट बहुत हाई है, फायदा ही नहीं है, मैंने वो सोचे नहीं। और दूसरा कुछ दिमागी थॉट्स ऐसी थी, थिंकिंग पैटर्न ऐसा था, तो मुझे ये फजूल लगता था कि यार ये अप्लाई शिप्लाई नहीं करना। और फिर अगर देखें तो कहीं एडजस्ट हो सकता था मेरे, जी आप ऑफलाइन हो। हाँ मेरे वाले साहब तो कहते थे कहीं चौकीदार ही लग जाओ यार, क्या है किसी स्कूल के चौकीदार लग जाओ, कोई मसला तो नहीं है, 25 30 हजार फिर भी मिल जाएंगे तुम्हें। अब अगर मैं वहां देखता कि चलो यहाँ, हाँ दो चीजें तो मैं एडजस्ट हो सकता था जहाँ इजीली, जहाँ कोई खास इतना मेरिट भी नहीं होता, पुलिस आर्मी और ये छोटी मोटी और दूसरी जॉब्स वगैरह तो। लेकिन मैंने बात थोड़ी लंबी होगी, आपका वो था कि आपने क्यों ये किया, अब क्या आप जॉब क्यों नहीं की और बिजनेस में क्यों गए। पहला नंबर तो है खुद की थिंकिंग पैटर्न खुद से आया, अपना नहीं था, गॉड गिफ्टेड थॉट्स कह ले सही या अल्लाह गाइड कर रहा था, कोई भी सुपरनेचुरल ताकत कहीं से वो इन्फ्लुएंस हो रही थी चीजें, या तो टीचर्स पे से भी नहीं सीखा कि बेटा जॉब नहीं करनी, आपने बिजनेस करना है, ये सीखा कहीं से नहीं है ना, एनवायरनमेंट से, खुद आया, खुद खुद से बना ये चीजें, और फिर इसलिए नहीं जॉब की। और फिर जब करता रहा ग्रेजुएशन के बाद भी काम करता रहा तो कोई खास सेटिस्फाइड नहीं था, सोचता था यार तुम पढ़े लिखे हो, ये मजदूरी करते हो सारा दिन, कभी झाड़ू भी लगाना पड़ता है, कभी कचरा भी उठाना पड़ता है, बिल्कुल हाथ भी गंदे हो जाते हैं, बालों में भी मट्टी चली जाती है, चेहरे पे भी इतनी मट्टी हो जाती है, और ये तो सारे अनपढ़ लोग करते हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम कहीं ना कहीं थोड़ा जेहन में होता भी था शायद कभी कि यार तुम्हारी कोई ना कोई तो कहीं कोई जॉब होनी चाहिए जहाँ तुम कहीं ऑफिस चेयर जो रिवॉल्विंग चेयर पे कहीं बैठे हो, कोई बॉस बने बैठे हो और सारे वो साइड पे आपके मुलाजिम है और वो सारे कह रहे हैं यस बॉस वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई तुम्हारी एसी वाली कोई जॉब होनी चाहिए जहाँ एसी फिक्स हो और तुम ठाठ बाठ से बैठ रहे हो। और इस तरह होता रहा, पहले जेन में आता रहा कि यार ये तुम्हारे रिलेटेड काम नहीं है, तुम तो मजदूरी कर रहे हो, कोई इस तरह का टाइप तुम्हारे तुम्हारा स्टेटस भी ये नहीं है यार, कोई स्टेटस वाली चीज कोई होनी चाहिए। फिर समझ में आया यार स्टेटस स्टेटस वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन देर में आया, इतना जल्दी नहीं आया। ये आई थिंक इस बात को समझने में कितना टाइम लगा? 4 साल लगे। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे रेहान अल्लाह वाला का, जिन्होंने जिनसे मैंने ये सीखा। 2010 में ग्रेजुएशन कर लिया था, सही बादल ना ख्वास्ता, काम पे जाता था, कोई शौक नहीं था कोई खास, फिर वो ये कम्प्लेक्स होता था दिमाग में, ये तो तुम्हारे शाने शान नहीं है ये काम, तुम तो कहीं बड़े वेल डेकोरेटेड चीजें होनी चाहिए जहां तुम बैठ के काम शाम करो, कोई ऑफिस वर्क हो, कोई पेपर वर्क हो, सो ऑन सो ऑन। लेकिन 2014 15 में रेहान अल्लाह वाला मिले, यानी कि 4 या 5 साल कह ले, 5 साल बाद, और मिले भी रैंडम ही, वो भी अल्लाह ने ब्लेस किया, ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आ गया था, तो जब उस वीडियो ने इंस्पायर किया तो फिर
रिहान अलावाला साहब को सुनना शुरू किया, सुनता रहा वीडियो डाउनलोड की, फेसबुक से देखा, फिर जब फेसबुक से देखता रहा फिर जहाँ यूट्यूब से ढूंढा इन्हें कि क्या कहते हैं ये, है कौन, क्या कह रहे हैं, जब उनके सब सुनता रहा तो चीजें क्लिक करना शुरू होगी दिमाग को। सही अब पहले तो अपने काम से कोई खास प्यार नहीं था, ऐसे मजबूरन करता था कि यार वाले बिल्कुल साहब को बिल्कुल। कैसे। अभी जी, आपने बहुत प्यारी बात बताई। सॉरी, यहाँ पे अभी एक मेरे पास कमेंट्स में सवाल भी आते हैं दोस्तों के, तो जी उसको भी जी सवाल करते हुए शामिल चलते करें। हैं। तो अभी भी हमारे दोस्त कह रहे हैं, सर आप लिंक्डइन के बारे में बात करते रहते हैं, आपके सेशन जिसमें लिंक्डइन को बेहतर यूज करना है इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो समझ के लिंक्डइन पे अकाउंट बना करना रिक्रूटर खुद कॉल करेगा, प्लीज इस बारे में सेशन। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान तनवीर साहब, मैं बिल्कुल इस बारे में प्रोग्राम करूंगा आगे चल के। आज के जैसा हमारा प्रोग्राम है उसमें हमारे दोस्त काशिफ ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक पॉलिश वाला के नाम से हैं, यानी फ्लोर पॉलिशिंग का काम करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप दोस्तों को ये बताया जाए कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई आप अपना काम कर लेते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे कामयाब हो सकते हैं, जैसे अभी काशिफ भाई ने बताए रहे हैं अपनी बात। तो काशिफ भाई, यहाँ पे अभी एक और यानी सवाल है मेरा कि जी जब आपने एक यानी आपने काम सीखा अपने फादर से, मोस्टली काफी लोग ऐसे हैं जो अपने फादर के साथ हाथ बटाते रहते हैं वक्तन फवक्तन, ठीक है, जैसे मैं भी किसी जमाने में करता था, जून जुलाई की छुट्टियों को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उसके साथ साथ जब आपने फिर ग्रेजुएशन की, फिर आपके जहन में ये चीजें आई कि यार अब डिग्री मिल गई है, इट मीन्स के नौकरी, यानी मैं नौकर बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नहीं, जी, हाँ जी आप कंप्लीट कर लें। तो उसके साथ साथ आपने जैसे कहा कि आपको 4 साल लगे ये चीज समझाने के लिए कि यार नौकरी नहीं, अब काम की तरफ आ जाओ, ठीक है, आप अपने काम की तरफ आए। तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा, जब आपने अपना काम शुरू किया या फादर का ही कंटिन्यू किया, आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन सी वो चीज मुश्किलात पेश हुई जो कि एक ग्रेजुएट बंदे के जहन में होती है या एक आम बंदे के लिए हिचकिचाहट होती है ना कि यार ये काम मैं कैसे करूं, तो उस वक्त आपने उन चीजों में कैसे ओवरकम किया, कैसे यानी उन पे काबू पाया, या वो कौन सी मुश्किलात थी? जबरदस्त, गुड क्वेश्चन। अब जो अब आपने कहा कि जब डिग्री हाथ में आ गई तो अब सोचा कि अब तो जॉब ही करनी चाहिए या नौकर बनने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं था जेन में। जेन में ऐसा कुछ था, शायद उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था या उस वक्त जेनी सलाहितें इतनी ज्यादा नहीं थी। वो जेन इस किस्म का नहीं था कि नौकरी, जेन था कि कोई ना अपने जेन में बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाए हुए थे, ऊंचे ऊंचे ख्यालात, और बड़ा बड़ा अपने आप को वो किया हुआ था कि यार कोई ना गाड़ी हो, कोई बंगला हो, कोई अच्छा सा ड्रेस हो, 3 पीस सूट हो, बॉस जाए सलूट लगे, और कोई कमरा इतना वीआईपी हो जिसमें बैठ के काम करो, एसी लगे हो, कोई इधर मुंशी खड़ा है, कोई चौकीदार खड़ा है, कोई आगे बंदे बैठे हैं, आगे मुलाजिम हैं सारे, वो काम पूछ रहे हैं या जो भी आप उनको डील कर रहे हैं। ये था कि कहीं ना ऊपर वाली सीट पे हूँ, कहीं ना कहीं ना कहीं जाकर बॉस बिल्कुल बन के बैठू, ये नहीं था। मैं सोचता था कि जब तक मैं वो नहीं ना करूंगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, ये तो मुझे मट्टी साफ करनी पड़ती है, ये तो कपड़े खराब हो जाते हैं, मुझे तो हो कि कपड़े भी साफ रहें और एनवायरमेंट भी नीट एंड क्लीन हो, साथ में पड़े, ऐसा कुछ था दिमाग में। अब वो चाहे जॉब भी हो सकती है, मे भी जाहिर है कोई ऐसी पोस्ट जेन में ये थी कि कोई बड़ी पोस्ट हो, फिर जो अगर होनी है तो बिल्कुल कोई नीचे ना हो कोई, बिल्कुल काशिफ ये भाई, था। देखें बिल्कुल हम इंसानों के यही ख्वाब होते हैं कि बेहतर से बेहतर जिंदगी हो और हम एक अच्छे ये था काम पे हो। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं देखें नौकरी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, यानी ये मेरी नियत नहीं है, वो एक सिर्फ ये है कि हमारे जहन में ना एक चीज है कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ही करनी है मेरा, इसीलिए हम यानी एक सिंपल टर्म में मैं यूज करता हूँ कि आपने यानी काफी इस पे मिसालें भी हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा कि वो कहते हैं ना नौकरी की ते नखरा की, सही है, हाँ जी यानी जी आप वो ही आप किसी के मुलाजिम हो, ठीक है, तो उसी के सिलसिले में या
हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों को ये भी बताना है, मोटिवेट करना है कि आप काम भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अगर ग्रेजुएट हो गए हो तो आपको जॉब करनी है, जॉब ही ढूंढने में लग जाओ, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपको सुकून आता है, मजा आता है, दिल लगता है, या फैमिली के साथ आपने वो काम किया हो। तो मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा सवाल था वो ये था कि आपको जैसे ही आपने ज्वाइन किया ना, ठीक है, अपना काम 4 साल के बाद अब इसको बढ़ाना है, तो आपको कौन सी मुश्किलात पेश आई एज अ ग्रेजुएट, क्योंकि आप हाँ, आगे। हर्डल्स पे मैं बात करता हूँ। पहले तो मैंने वो बताया कि मेरा, अब लोगों का पता नहीं, मेरा माइंड सेटअप तो वो था कि कोई अच्छी किस्म का हो, कि कोई वेल सेटल्ड, चाहे उसे जॉब का नाम दे लें, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था, ये कभी भी नहीं था कि मैं कहीं नीचे वाले एम्प्लॉय में काम करूंगा। कि सही, मेरा तो था कि अगर एम्प्लॉय बनना है तो कहीं बड़ा बड़ा बन के बैठूंगा, नीचे तो काम मैंने नहीं करना। अब आपकी अब सोच बड़ी थी आपकी। हाँ, उस वक्त भी वही था कि शायद शायद वो, मैं उस वक्त मैं ये भी नहीं अब क्लैरिफाई कर रहा था उस वक्त कि ये कोई जॉब होगी या ये कोई बिजनेस होगा, या उसे आप जॉब ही कंसिडर करें कि नौकरी ही, लेकिन वो ख्वाब वही था कि ये तो नीचे वाला फिर नहीं करना, कहीं ना कहीं मैं तो कहीं सीट पे ही बैठूंगा। अच्छा चलो, अब आपने कहा कि हर्डल्स क्या आई, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हर्डल्स मुझे वो तो कोई नहीं थी, मुझे इमोशनली मसला था, समझो मेरा ही कम्प्लेक्स था, मेरे दिमाग में थी सारा कुछ। बिल्कुल अब मेरे दिमाग में जो चलता था ये है कि यार तू पढ़ा लिखा है कि तू ये क्यों मशीन चलाता है, तुम मजदूरी क्यों करते हो, बिल्कुल बिल्कुल तो तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। अब होता था कि यार तुम्हें, अब तुम्हारे गांव के लोग ये देख लेंगे ना मजदूरी करते हुए। हमारे गांव के क्योंकि शॉपिंग करने आते थे शहर, शहर की गलियों में मैं काम करता था ओपनली, हर मार्केट के अंदर हमारे काम चल रहे होते थे, हर मार्केट के अंदर, हर शॉप में, दूसरी तीसरी गली में हमारे काम चल रहे होते थे। अब मुझे वो शर्म आती थी उस वक्त बहुत ज्यादा, उनके यार ये तुम्हें देखेंगे कहेंगे ओ काशिफ जो है वो मशीन चलाता है, मजदूरी करता है। अब वो उस वक्त का मेरा मसला था, उस वक्त ये जाके क्लियर हुआ बड़ी देर बाद। मैं शर्म फील करता था कि यार ये कहेंगे काशिफ यार ये मजदूरी करता है और ये शर्म का काम है, उस वक्त मैं इसे समझता था। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल, नहीं, इंसान की अपनी एक ईगो होती है, वो उसको रोकती है। हाँ, मुझे होता था कि यार ये कहेंगे कि काशिफ कल तुम तो मशीन चला रहे थे तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। अब मैं छुप जाता था, अगर कोई मेरे गांव का कोई लड़का या कोई औरत वहां गुजर रही होती थी तो मैं कोशिश करता था यार ये मुझे ना ही देखे तो अच्छी बात है, ये तो मुझे देख लेंगे काशिफ ये काम करता है, और ये कोई काम इतने रिस्पेक्ट वाला तो कोई है नहीं। अब ये भी मुझे था कि ये कोई काम रिस्पेक्ट वाला तो नहीं है। अब ये मसाइल थे मेरे साथ, ये पता नहीं कहाँ से आती है हमारे अंदर। इस पे यानी कैसे ओवरकम किया इसको, टेक ओवर यानी इसको कंट्रोल में या दूर कैसे किया, वो चीज बताओ। हाँ, इसी को करता हूं। अब ये चलता रहा 4 साल, तो यही चलता रहा, मैं नहीं ओवरकम कर सका इस मसले को। सही है, पता नहीं ये कहाँ से आती हैं ये चीजें, शायद पेरेंटिंग से, और हमारा ये एनवायरनमेंट है इस किस्म का, बिल्कुल वहां से शायद ये फीड हो जाती है बचपन में हमारे अंदर, शायद यहाँ से आती हैं ये चीजें, लेकिन इसको मैं ओवरकम नहीं कर सका था। अल्लाह भला के लिए रेहान अल्लाह वाला साहब का जब मुझे प्यार हुआ ना इस काम से, वो रेहान अल्लाह वाला की वजह से हुआ है। अब सही। उसमें कुछ मेरा भी था, चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ लोग भी गाइड करते हैं। अब उनको सुना कि आप जो है अपने काम से मोहब्बत करें, जो है अपने काम की ब्रांडिंग करें, जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अब इसके वीडियोस बनाएं, फोटोज बनाएं, वो लगाएं, पेज बनाएं, अपना प्रोफाइल अच्छा करें, वहां सारी चीजें मेंशन करें, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, काम क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर आपका होना चाहिए। जो जो मैं सुनता गया, जब मुझे उनसे प्यार हो गया ना, तो फिर मेरे जो मैं सुनू उस पे अमल फौरन, उस पे अमल फौरन। अब जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, और फिर उन्होंने कहा कि अपने काम के रिलेटेड लोग ढूंढो, उनको उनको ऐड करो, उनसे सीखो, उनसे अपना नॉलेज एक्सचेंज करो, उससे ये होगा कि आप अपना नॉलेज उनसे एक्सचेंज करेंगे और वो अपना नॉलेज जो है आपके साथ एक्सचेंज करेंगे, तो कोलैबोरेशन होगी, बिल्कुल म्यूचुअल आप सकेंगे। अब ये जो जो वो एक एक स्टेप में सुनता रहा। अब मुझे वो स्पेशली नहीं करते थे कि मुझे कोई कॉल करके बताते थे, वो रैंडम वीडियो बना रहे थे और मैं रैंडम ही फॉलो कर रहा था उनको, लेकिन वो करता मैं फिर ऐसे था कि जो लफ्ज उनके मुंह से निकला है ना
उसको मैं वो फौरन पिक कर लेता था। मैंने कहा इसको अमल करना है, अमल करना शुरू कर दिया। अब ये होता गया ना, तो मुझ में जब कैमरा को फेस नहीं कर सकता था मैं, ये मसला आ गया मुझ में यार। मैंने कहा अब तो शर्म आएगी, मैं कैसे ये वीडियो बना। पहले तो बंदा आम भी नहीं कैमरे को कोई भी फेस कर सकता, काम का वीडियो तो फिर किसने बनाना है। सिंपल अपनी तस्वीर ही बंदा नहीं बना सकता जब हमारा जिस किस्म का एनवायरनमेंट है बिल्कुल उसमें शर्म आती। बिल्कुल। अब जैसे तो बताया कि आप आए डिजिटल मीडिया की तरफ काम की, और आपका वो जो एक हिचकिचाहट डर था वो आपका हट गया, तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए। आपके एक हमारे यहाँ ना कन्वेंशनल यानी एक आम रूटीन है, जो कि का मिला टेंडर, ठीक है, आपने काम शुरू कर दिया, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, दुकानें हो गई, जहां जो जो प्रोजेक्ट मिला आप वो करते रहे, सही है, ये हमारी आम जी रूटीन है आम लोगों की। लेकिन अब जैसे वक्त चेंज हो रहा है डिजिटल सिंध के प्लेटफॉर्म से, जैसे हम बताते हैं कि आप डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आए, उससे फायदा ये है, वो फायदा मैं सुनना चाहता हूँ, जो कि आप यानी डिजिटल वर्ल्ड पे आए, काम और तस्वीरें वीडियोस अपना ताशे फॉल फ्लोर पॉलिश वाला किया, ब्रांडिंग करना शुरू की, उससे आपको कितना फायदा हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जबरदस्त। एक कन्वेंशनल तरीका या ट्रेडिशनल तरीका, इसको जो भी आप टर्म यूज करें, नहीं, जबरदस्त। उसको उसको हाँ छोड़े, हमें आप ये फायदा बताएंगे डिजिटल, ताकि जो लोग हमें सुनेंगे वो भी डिजिटल की तरफ आके उनको क्या फायदा होगा वो जरा थोड़ा सा बताइएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जवाब से जो है वो काफी लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगी और लोग जी सीखेंगे। अब ये हुआ कि वो तो मेरा मसला हल हो गया कि शर्म वाला मसला तो मेरा चला गया जब मैंने वीडियोस बनाए, वो झिझक झिझक वगैरह और वो सारा जो कॉन्फिडेंस लो था वो मसला हल हो गया। अब हम बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि जी सोशल मीडिया से बेनिफिट्स क्या मिले, क्या चेंज फील हुआ, क्या क्या फायदे उठाए। तो स्टार्ट यहीं से हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि अपने वीडियोस बनाए, अपनी तस्वीरें बनाए। मैंने वो बनाने शुरू कर दिए, बनाने बनाता रहा बनाता रहा। मुझे एक जो है वो दुबई से एक बंदे ने कांटेक्ट किया। उसने कहा यार हम ये आपका पॉलिश का काम हमने देखा है, अच्छा लगा है, तो काम पसंद आया आपका, तो हम आपको वीजा भेजते हैं, आपको एयर टिकट भेजते हैं, तो आप हमारे पास आए काम करें तो हम आपको वीजा भी देंगे परमानेंट 2 साल का, क्या क्या और जो है यहाँ आके काम करें। बात, अब जो मेरा मेरा भाई, मैं पहले भी जॉब हंट करता रहता था, ऐसा सोचता था कि भाई मुझे पूरे पाकिस्तान में भी मसला आ रहा था। मैंने कहा यहाँ तो मैं एडजस्ट नहीं होता, मैं तो कहीं बाहर ही जाऊंगा। मैंने यूरोप बड़ा कोशिश की, यूएसए में मेरे काफी फ्रेंड है, यहाँ कोशिश की। अब जो एक दो दो चीजें इसमें दो दो लेसन है सोशल मीडिया की तरफ, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसे। इसी में एक और बात आई है उसको एक्सप्लेन करा। अब मैं देखता था कि यार मैं वीजा लेके छोड़ूंगा, मैं वो मैसेजेस करता था, मैंने जब वो लोग ऐड कर लिए थे फ्लोर पॉलिशिंग वाले, मैं कहता था मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पॉलिशर हूँ, ये मेरा वीडियो है, प्लीज मुझे वीजा दे दे, करता रहा करता रहा। मेरे एक भाई था छोटा, उसने कहा कभी फेसबुक से वीजे नहीं मिलते होते, तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा। अब मैं पागलों की तरह लगा रहा, मैं रात को भी जागता रहा, सुबह की तरह सुबह भी, बिल्कुल काम को भी, एक दिन मशीन चलाई। उसने कहा यार तुम ये मुझे वादा भी करते होते थे, लोग दे देंगे, यहाँ करेंगे, बुलाएंगे, सोहान सोहान, ठीक है जी, अच्छा काम पसंद आया है, हम आपको बुलाएंगे जब हमें जरूरत होगी। मेरे भाई ने मुझे कहा कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। अब इसमें एक हमारे लिए लेसन भी है कि जब आपको लोग कहते रहेंगे कि ये तो इस तरह नहीं हो सकता कि फेसबुक से तो कभी वीजा नहीं मिलते होते, तो ये भी लेसन है कि मुझे वीजा मिला फिर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा देखो मेरे भाई की बात वो जो है जो वो सही नहीं निकली, मतलब मैंने उनको वो बीट कर दिया कि देखे फेसबुक से आपको वीजा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे अच्छा फर्स्ट बिल्कुल जी मैं गया वहां, मैंने 1 महीना काम किया, उन्होंने मेरी सैलरी जो है 1800 दिरहम लगाई स्टार्टिंग ही। मुझे ये फायदा होता कि मुझे इंग्लिश आती थी, अब मैं उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता था, मुझे अरबी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बॉस से बात कर लेता था सबसे। अब कुछ लोग भी मुझसे जेलस हो गए वहां, उन्होंने कहा ये तो तरक्की कर जाएगा, इसको किसी तरह ना निकालो यहाँ से। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया उधर रूम के अंदर, ऐसे सही नोक टोक और बस लगे रहे। फिर मैं भी तंग आ गया, मैंने कहा बस मैंने तो, अब उन्होंने मुझसे पूछा वीजा लगवाना है,
मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लगवाना, मुझे ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैंने पाकिस्तान जाना है। अब मैंने वहां सीखा, एंजॉयमेंट किया, सोफिटल होटल में काम करता रहा, क्या शानदार उधर काम था। मैंने और जब मैं सोफिटल 5 स्टार होटल के अंदर डाउनटाउन के अंदर बैठा था, उस वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा इस होटल में मैं कभी नहीं आ सकता था, काशिफ तुम्हारी स्किल्स जो है वो तुम्हें लेके आई यहाँ। और इतने प्यारे बेड थे, इतने प्यारे सोफे थे, जब मैं वहां सो के थोड़ी देर 5-10 मिनट मैंने देखा, तो वो जो सुकून है, जो सोल का सेटिस्फेक्शन है, वो लफ्जों में मुमकिन ही नहीं है। जब मैं वो सोफिटल के एक रूम में, 5 स्टार रूम में, जब मैं लेट के 10 मिनट मैंने देखा, और जो सोफे पे मैंने एंजॉयमेंट, सोफा एक विंडो के साथ पड़ा था, पूरा दुबई नजर आ रहा था, वो क्या व्यू था। मुझे को उसका रेंट देने के लिए पैसे भी शायद कभी भी ना हो मेरे पास, ना बिल्कुल होते। बिल्कुल मैंने कहा यार तुम्हारी स्किल्स जो है तुम्हें यहाँ लेके आई इतने प्यारे एनवायरनमेंट में। वहां मैं बिल्कुल। सुकून से जींस पे, काशिफ भाई आपने जींस पहनी बहुत होती। प्यारी बात बोली कि देखें आप यानी अपने एरिया से एक काम कर रहे थे, आपको एक लगन था, शौक था, आप मैसेजेस कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, मैं दो रुका नहीं हूं। ठीक है, देखें दोस्त और दूसरे लोग आपको कहते हैं, लेकिन आपके अपने भाई भी कह रहे थे कि यार ऐसे थोड़ी वीजा मिलेगा, सही है, लेकिन क्या थी आपकी जुस्तजू थी, लगन थी, अल्लाह ताला ने वो आपकी लगन को देखते हुए आपको सलाह दिया, आपका वीजा लगा, और जब आप वहां गए और आपको एक यानी जैसे बता रहे हो काम किया, फिर आपने एक ऐसी जगह पे भी गए जहां आपको तस्वुर भी नहीं था कि यहां मैं आ सकता हूँ, तो जी जान सकता हूं कि वाकई वहां पे कितनी इंसान को खुशी मिलती है जब इस मुकाम पे पहुंच जाता है। और ये वही चीज है जो कि आप एक काम सोच रहे थे कि यार ये मैं काम करूं कि ना करूं, करूं कि, और लोग आते थे छुप जाते थे और ये करते, और वही काम आपको देखे कहां ले गया। और फिर ये हुआ कि अब जो मुझे यहाँ मसला होता था कि डस्ट है, सो ऑन, कपड़े मैले हो जाने, मुंह पे डस्ट, अब उधर ऐसे होना, हाथ ऐसे बिल्कुल साफ होने, इधर तो हाथ ही इतने गंदे हो जाते हैं, तो हाथ इस तरह होने सारा दिन। मैंने देखा कलर साफ होना शुरू हो गया है, इन्वायरमेंट इतना डस्ट प्रूफ है, कोई हमारे एक एक जो है ड्रेस वो 3-3 4-4 दिन भी खराब तक नहीं होता था, इतना अच्छा मुझे काम मिला था। मैंने वो वाशरूम की टाइल्स के ग्राउट में कुछ जी जी प्रॉब्लम आ गया था, बिल्कुल एक महीना मैं वही करता रहा। मुझे वहां अच्छा पानी मिलता था, अच्छा सोफिटल का पानी, खाना अच्छा, और जीन्स पहनी होनी, मुझे ये शौक था, चलो भाई जीन्स में काम कर रहे हैं, मेरे शूज तक नहीं खराब हो रहे थे उनके, क्योंकि मट्टी थी नहीं, इतना साफ काम था, इतना साफ काम। मैंने वो एक महीना बहुत इंजॉय किया, मैंने कहा उस काम से भी तुम्हारी जान छूटी। आपने बिल्कुल सही बात बोली, बाकी इंसान को बहुत खुशी होती है इस जगह या मुकाम पे पहुंच के। तो इसके साथ साथ अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि जी आपका, आप मालूम हुआ कि अबू धाबी भी गए थे, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? दोबारा फिर उन्होंने, ये 2017 की बात है जो मैंने पहले बताई, दोबारा फिर उसी बंदे ने कहा कि हमारा शारजा में काम है, हम आपको 3 महीने का वीजा देते हैं। उस टाइम उन्होंने एक एक का दिया था, 3 महीने का आपको वीजा देते हैं, तो आपको टिकट भी भेजते हैं और आप आए। अब काम वो मैंने जो है वो उनसे, उन्होंने मुझे वीजा भेज दिया, मैंने टिकट वगैरह ली, टिकट भी उन्होंने भेज दिया, सही लेकिन अब फिर मैं दुबई चला गया। अब फिर मैं उनके साथ 1 महीना मैंने काम किया, वो काम शारजा में करना था उनका, पॉलिशिंग का उनका, उसको लेट है बिल्कुल थोड़ी, हमने बिल्कुल हमने काशिफ डायमंड टूल्स डायमंड भाई, वक्त वक्त की शॉर्टेज मैं की, मुख्तसर कर देता हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो वक्त में हो सके और ज्यादा से ज्यादा मैसेज हम दे सकें। और दूसरा ये आपने ये उसको बहुत मैं बहुत मुख्तर कर देता हूँ। जी, आपने बहुत प्यारी बात बोली, इससे जाहिर होता है आप यानी पहले एक काम कर रहे थे, फिर जब आप सोशल मीडिया पे आए, अपने पेजेस बनाए, वीडियोस बनाई, काम का दुनिया को बताया, तो आप एक मर्तबा नहीं दो दो मर्तबा आपको चांसेस मिले बाहर जाने के, आप वहां पे काम करके आए, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ पे अभी एक और सवाल आया है कि काइंडली थोड़ा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल कंप्लेन ऐप के बारे में बताइएगा, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मुझे भी शायद नहीं मालूम, मैं भी जानना चाहूंगा। मैं तो कहता हूँ हम इस प्रोग्राम को इसी पे रखें, इसका मैं शॉर्ट आंसर दे देता हूँ, इस पे हम एक अलग कर लेंगे,
ठीक है। और वो तो हमारा मोटिवेशन का चल रहा था, सोशल मीडिया के फायदे का वाला क्वेश्चन, मैं उसको भी समअप भी करूंगा, मुख्तसर भी बिल्कुल करूंगा, और बिल्कुल इसका मैं भाई ने क्योंकि क्वेश्चन किया है तो इसका आंसर तो जरूर देना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल तकरीबन 500 के करीब कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, मैंने 500 इशू हाईलाइट किए हैं पाकिस्तान में। इसमें तकरीबन मैंने 100-200 इशू अपने इलाके में हाईलाइट किया है, और दूसरा 300 इशू जो है वो केपी में और सिंध में और बलूचिस्तान, सॉरी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, मतलब पूरे पाकिस्तान को मैंने कवर किया है। जहां मैंने देखा ट्रैश देखा है, कहीं गार्बेज देखा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन है, हेल्थ सो ऑन, जितने ही मसले थे सबको हाईलाइट किया। मुझे बहुत अच्छा जो है गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, काफी टाइम उन्होंने मसले हल भी करवाए कंप्लेंट्स पर, समटाइम्स उन्होंने डायरेक्शन भी दी, समटाइम उन्होंने जो है रिप्लाई भी दिए, रिमार्क्स दिए, सो ऑन, गवर्नमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जवाब वसूल हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये चले इसका जवाब है जी। मैं सबको जो है वो कहता हूँ कि जरूर पोर्टल इस्तेमाल करें, और इस पे जो है हमारे पाकिस्तान के इदारे बेहतर होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नेंस जो है उसका निज़ाम बेहतर होगा। बहुत कमाल ऐप है, इससे बेहतर ऐप जो है वो यूएसए में भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो इससे बड़ा मुतासर है, वो कहते हैं पाकिस्तान का ये एकदम बहुत कमाल है, हमारे कंट्री में ऐसा कोई ऐप या ऐसा सिस्टम नहीं है। मे भी आप क्लैरिफाई करते हो या ना हो, लेकिन जो मुझे अमरीकी दोस्तों ने बताया है फ्लोरिडा से या मुख्तलिफ रास्तों से, तो वो बड़े मुतासर है इस काम से। अब हम जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया, और इसी को हम अपना लास्ट मैसेज लेके चलते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको फिर अपने प्रोग्राम में मधु करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मेरी कोशिश होती है उसी टाइम स्लॉट में मैं क्लोज करूं, लेकिन अभी आपकी बातें इतनी अच्छी थी, हम यू कर लेंगे, इसका पार्ट 2 बना लेंगे, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे इस चीज के बारे में। अगर आप इजाजत दे तो मैं 1 मिनट के अंदर जो सोशल मीडिया के फायदे वाला लास्ट उसे समअप करके हम फिनिश करते हैं। बिल्कुल हाँ, तो दूसरी बार वो उधर गया था, दोबारा 1 महीना उसमें काम किया, फिर दोबारा अबू धाबी चला गया। बिल्कुल, मैं और आप कंटिन्यू रखें। हाँ, तो फिर ये हुआ कि इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं तस्वीरें वगैरह पोस्ट करता रहा। फिर लाहौर के एक ठेकेदार ने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि आप हमारा प्रोजेक्ट कर दें कराची में। उनका एक प्रोजेक्ट फिर कराची में किया, फिर लाहौर में किया, फिर मलक रियाज के प्रोजेक्ट किए कराची में, मलक रियाज बैरियर टाउन के जो ऑनर है उनके किए, फिर मरी में जो है उनका प्रोजेक्ट है, मलक रियाज का जो उनका जाती घर है उसके अंदर काम किया, और फिर उससे लाखों कमाए। जब हमारा रेट जो है यहाँ 10 रुपये था, और वहां जाके हमने 20 रुपये जो है वो रेट चार्ज किया। तो वो तस्वीरों का ही फायदा था, सोशल मीडिया का ही फायदा था, जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी पार्टी मिली, और उस पार्टी के साथ जो है वो जो तल्लक बना था वो सोशल मीडिया से ही बना था, वो मेरा काम देखता रहा। और फिर हमने 2018 3 साल अभी भी काम कर रहे हैं उनके साथ, उनसे हमने बहुत पैसा कमाया, उन्होंने हमें इतने प्रोजेक्ट दिए, इतने प्रोजेक्ट दिए। गाँव में काम करने वालों को उन्होंने कभी कराची फेंका, कभी नवाबशाह फेंका, और कभी क्वेटा में प्रोजेक्ट लेके दिए आर्मी स्टाफ कॉलेज के। बहुत लाखों कमाया, कई लाखों कमाए। माशाल्लाह हाँ, ये फायदे उठाए सोशल मीडिया से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने काफी यानी चीजें बताई। आपने देखें, एक सोशल मीडिया के थ्रू आप ये देखें कि आपने पूरे पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान से बाहर काम किया, आपको ये मौका मिला, तो इससे ये साफ जाहिर होता है आज का दौर या आने वाला वक्त वो जो है वो डिजिटल मीडिया का ही है। आप अपना स्किल, जो भी आपका हुनर है, आप जितना आप दिखाओगे लोगों को, दुनिया को बताओगे, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई आपको आवाज दे सकता है, जिससे आप अपनी अपनी फैमिली की अपने मुल्क की तरक्की हो सकती है। बस इसी पे आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होता है, और बहुत जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, किसी नए मेहमान, किसी नए दोस्त, और एक हम और काशिफ भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, एक और इनके साथ सेशन करें, जब भी यानी अवेलेबल हो उसके मुताबिक हम प्रोग्राम रखेंगे। चलें, देखने का बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें अगर